राजनीति की माया राजनीति ही जाने। कल्याण सिंह की जगह सीएम बने 76 साल के राम प्रकाश गुप्ता। राम प्रकाश गुप्ता जनसंघ के पुराने नेता थे, चौधरी चरण सिंह के समय डिप्टी सीएम रह चुके थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि लगभग डेढ़ दशक पहले वो खुद राजनीति से अलग हो चुके थे और अब देखिए अचानक सीएम बन गए। सब हैरान थे। एक तो गुप्ता जी किसी सदन के सदस्य नहीं, दूसरे कलराज मिश्र, केशरीनाथ त्रिपाठी, विनय कटियार, लालजी टंडन, राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता नजरअंदाज किए गए थे। लेकिन सीधे अटल जी की रिकमेंडेशन थी, कोई कुछ नहीं बोला। सीएम की कुर्सी गई लेकिन कल्याण सिंह का गुस्सा नहीं गया। अरे वो तो अटल जी पर और भी तीखा बयान देने लगे। आखिर में 9 दिसंबर 1999 को कल्याण सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। राम मंदिर आंदोलन से कल्याण सिंह बीजेपी के हीरो बने थे, पर अब पार्टी के लिए विलन बन गए। कल्याण सिंह ने बीजेपी को हराने की कसम खा ली। शायद कल्याण सिंह को इस बात का गलतफहमी या भ्रम हो गया कि वो अटल जी, अडवाणी जी, उस समय के अशोक सिंघल जो मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे बड़े नेता थे, राजमाता सिंधिया, इन सबसे ज्यादा या उनके समकक्ष उनका एक कद बढ़ गया है। कल्याण सिंह को इस बात की शायद गलतफहमी हो गई, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के वो विलेन के रूप में देखे जाने लगे। कल्याण सिंह एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नेता रहे और कल्याण सिंह जिस राजनीति को समझते थे या जिस जो उनकी समझदारी थी कि ऐसी राजनीति ही भाजपा को एक तरह से सत्तारूढ़ करके लाएगी, उस राजनीति को हम आज फलीभूत होते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन जन समर्थन उस तरह का उनके पीछे नहीं था, वो एक पॉपुलर लीडर नहीं थे। इस समय तक मीडिया का स्वरूप बहुत बदल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विस्तार हो रहा था। मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता पर कलम के साथ कैमरों की भी निगाहें थी और सीएम साहब के भूलने की आदत पर बहुत टीका टिप्पणी होने लगी। जो लोग भी पॉलिटिक्स जानते थे उत्तर प्रदेश को, सबको हैरानी हुई कि ये आदमी कहां से आ गया। ये तब के थे जो करीब 20-25 साल बाद जिनका जीर्णोद्धार एक किस्म से हुआ, तो उनके कामकाज पे इस किस्म की टिप्पणियां या इस किस्म का मुहावरा जोक चलता ही रहा। राम प्रकाश गुप्ता एक बात के लिए बहुत फेमस हुए, तबादले, ट्रांसफर पोस्टिंग। सीएम बनने के 3 महीनों के अंदर ही 350 से ज्यादा अफसरों के तबादले कर दिए। एक डीएम का तो 1 महीने में ही 6 बार तबादला कर दिया। वक्त काटने वाले लीडर थे, उनका कोई अलग विजन नहीं था, उनको कोई बहुत एम्बिशन नहीं था, तो पुराने किस्म के लीडर थे, उनको ट्रांसफर पोस्टिंग में ही सारा कुछ दिखाई देता होगा। और दूसरा ये कि सबको खुश रखो, जितना दिन वक्त मिला है उतने कैसे। सबके मन की करते करते भी राम प्रकाश गुप्ता लगभग 11 महीने ही मुख्यमंत्री रह पाए। उनकी जगह मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई राजनाथ सिंह को। विधानमंडल उत्तर प्रदेश भाजपा के नेता पद के लिए श्रीमान राजनाथ सिंह का नाम प्रस्तावित करता हूँ।